जीवन का यही बसंत आप सबको खुशियां दे, अनंत प्रेम और उत्साह का भर दे जीवन में रंग। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो है वो बना रहे, और उम्मीद करते हैं 2020 में जो भी प्रॉपर वे में मेहनत कर रहे हैं पूरे सच्चे दिल से, उनकी नौकरी कम से कम लग जाए इस बार 2020 में। और इस अलगाव से स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा देना ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन सेट या मॉक टेस्ट आप सभी हमारे खुद के एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर भी जाकर दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप सभी अपने आप को जज कर पाओ कि कितना स्कोर कर पा रहे। और एक बात साथ बोलूंगा, अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो एक साल के वैलिडिटी के साथ आपको एक साल तक होने वाले हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा, और कम से कम हर एक एग्जाम का 20-20 सेट तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है, भारतीय नौसेना ने जो है वो अपतटीय डाटा और उत्पादों को साझा करने के लिए किस संगठन के साथ जो है वो समझौता किया है, यानी इंडियन नेवी ने जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके साथ वो शेयरिंग करेगी ऑफशोर डाटा और उसके प्रोडक्ट। और ये डील साइन किया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी, भारत का भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसरो मानव अंतरिक्ष यान के आगे मानव रहित गगनयान अंतरिक्ष यान में किस नामक एक रोबोट को भेजेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये। इसरो जो है वो मानव अंतरिक्ष यान के आगे मानव रहित गगनयान अंतरिक्ष यान में एक रोबोट सेंड करने वाला है, भेजने वाला है, उस रोबोट का नाम आपको बताना है। आप यहां पर फोटो में देख पा रहे होंगे एक लेडीज को, हालांकि ये लेडीज नहीं है, यह एक रोबोट है। इस रोबोट का नाम क्या है आप याद रखिएगा, इस रोबोट का नाम है आपका योम मित्रा, ऑप्शन नंबर आपका डी। और इसरो के आप बोल सकते हो डायरेक्टर कौन है, तो आप बोलोगे वहां के डायरेक्टर है के सीवन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय सेना के लिए बैटल टैंक की जो निर्माण है उसकी क्षमता को दुगुना कर देगा कौन, यानी भारतीय सेना के लिए बैटल टैंक जो है उसकी कैपेसिटी जो है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डबल करने जा रही है आपका ऑफ द ऑर्डिनेंस बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। यानी बैटल टैंक का जो मैन्युफैक्चर है अब वो डबल करेगा ऑफ द ऑर्डिनेंस बोर्ड इंडिया आर्मी के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, WHO द्वारा वर्ष 2020 को किस रूप में नामित किया गया है, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 को जो है वह ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स, यानी नर्सों और दवाइयों का वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। आप सभी को पता है यह, और एक बात, WHO का मुख्यालय कहां पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO के हेड कौन है, तो WHO के हेड है आपके टेड्रोस एडोनोम। और एक बात, यह जो ईयर ऑफ नर्स और मिड वाइफ्स, ये जो टैग दिया गया है 2020 को नामित किया गया है, किस लिए दिया गया है, आप सभी को अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है पता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जो बहुत सारी महिलाओं को महामारी से बचाई थी, उस
के रूप में जो है इनके जन्मदिन के दिवस पर जो है WHO ने यह निर्णय लिया है कि 2020 को जो है वो नर्स और मिडवाइफ्स के वर्ड्स के रूप में मनाया जाएगा। और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल यह एक बहुत ही लाजवाब नर्स भी थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो नेशनल चाइल्ड डे जो है वो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन सा संस्थान सरकारी डेटा को सभी हितधारकों के लिए सुलभ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा प्लेटफॉर्म जो है वो विकसित करेगा? Which institution will develop a national data platform to make government data accessible to all stakeholder? और ये करने जा रहा है आपका नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, इसमें बहुत जन डाउट रहते हैं। ठीक है, याद रखना नीति आयोग के सीईओ है आपके अमिताभ कांत, ऑप्शन ठीक है। और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत किस देश में अपना पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र जो है वो खोलेगा? यानी इंडिया विल ओपन इट्स फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर इन विच कंट्री? और भारत जो है वो अपना पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र खोलने जा रहा है आपका नाइजर में, ऑप्शन नंबर आपका डी, इस कंट्री में। और नाइजर का कैपिटल क्या है, तो वो है आपका नाया में। और मुद्रा वहां पर इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, PM प्राइम मिनिस्टर, तो वो है आपके बिर्गी रैफेनी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पाकिस्तान ने किस परमाणु सक्षम मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? और वो मिसाइल का नाम है आपका गजनवी, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, G77 ग्रुप का समूह के अध्यक्ष का पद कौन सा कंट्री जो है वो संभालने जा रहा है? कौन सा देश G77 समूह के अध्यक्ष का पद जो है वो संभालेगा? और वो कंट्री है आपका फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर आपका बी। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है कि फिलिस्तीन का राष्ट्रपति कौन है, यानी वहां के प्रेसिडेंट कौन है, वहां का करेंसी यानी मुद्रा क्या है, और वहां का कैपिटल यानी राजधानी क्या है। यह तीन चीज आपको फिलिस्तीन के बारे में कमेंट कर बताना है। और फिलिस्तीन वो देश है जो G77 समूह के अध्यक्ष का पद जो है वो संभालेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस अस्पताल ने हेल्थ EMI कार्ड की पेशकश की है जो 4 लाख रुपए तक की क्रेडिट सीमा प्रदान करेगी? और ये करने जा रहा है आपका अपोलो, ऑप्शन नंबर डी, यानी अपोलो अस्पताल जो है एक हेल्थ EMI कार्ड लॉन्च करेगी जिसके तहत 4 लाख रुपए तक का जो है क्रेडिट सीमा प्रदान किया जाएगा अपोलो अस्पताल की तरफ से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस शहर ने जितने भी मॉल दुकानों और भोजनालय को 27 जनवरी से जो है वो 24 घंटे तक खुले रहने की अनुमति दे दी है? अब कहां पर 24 घंटे तक जो है वो मॉल दुकान और भोजनालय को 24 घंटे तक खुले रहने की परमिशन दे दी गई है? तो वो मुंबई में, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका ए। और महाराष्ट्र का कैपिटल आपका मुंबई है, वहां के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल वहां के हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महिलाओं के लिए केवल सिर्फ महिलाओं के लिए कैब सेवा विशेष रूप से किसने शुरू की है? आपको पता होगा ये कैब सेवा क्या है, जैसे आपने देखा होगा ओला उबेर गाड़ी आती है ना, उसी तरह कैब सेवा जो है वो शुरू किया गया है नई दिल्ली में। वहां का जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से निकलने के बाद जो भी गाड़ी आएगी, जो भी कैब आएगी, वो कैब महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा और खास कर उसमें महिलाएं यात्रा करेगी। ठीक है, और उस
कैप का नाम क्या दिया गया है, तो उस कैप का नाम दिया गया आपका सखा कैप। ठीक है, अब बोलोगे भैया पुरुष के लिए नहीं, पुरुष की तो गाड़ी है ही, लेकिन एक स्पेशली महिलाओं के लिए एक कैब शुरू किया गया है जिसका नाम है सखा कैब। और वो कैब जो है, वो गाड़ी जो है, वो महिला ही चलाएगी और महिला ही बस यात्रा कर सकेगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलने के बाद। ठीक है ना, जो दिल्ली में पड़ता है। क्वेश्चन आई थिंक आप सभी को पानी की तरह क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक सुकुमार सेन मेमोरियल व्याख्यान का मेजबानी कौन करेगा, और यह करना जा रहा है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, क्लियर आया क्वेश्चन ना। और आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है, अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है, ये आप सभी को कमेंट कर बताना है। ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं, और ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। अगला प्रश्न हमारे सामने, सॉफ्ट बैंक के हेड किसे नियुक्त किया गया है, और सॉफ्ट बैंक का हेड नियुक्त किया गया है आपका मनोज खोली को, और सॉफ्ट बैंक का उद्घाटन कब हुआ था, तो 1981 में, और सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, टोक्यो जापान में, और सॉफ्ट बैंक के फाउंडर और सीईओ कौन है, तो वो है आपका मासायोशी सोन। ये आप याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 29 जनवरी का। इसका पूरा पीडीएफ आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है जो सक्सेस की 98 है। अगर आप टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आप सभी को मिल जाएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों व्यक्ति का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।